ठीक है, बढ़िया। सर स्क्रीन प्रेजेंट किया। दिखाओ। बढ़िया, नाइस। अच्छा, हावर इफेक्ट भी लगा दिया इसमें। ओवर लगाया था सर एक वाई एक्सिस का, ठीक है, बढ़िया। ये स्लाइडर नहीं आया सर, ये बटन जैसे ही कर दिया था फिर। ठीक है, नीचे जाओ, फुटर वगैरह। और इसका पोजीशन, इसका जानते क्या ये करना था? भी वो जो शॉपिंग बैग है उसका पोजीशन रिलेटिव करना था, और जो येलो वाला जो एलिप्स है उसका पोजीशन एब्सोल्यूट करना था। इसका जैसे वो शॉपिंग बैग है ना, उसका पोजीशन रिलेटिव कर दो, और येलो वाला जो डॉट है उसका पोजीशन एब्सोल्यूट कर दो, फिर वो हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा मार्जिन वगैरह देना होगा, उस अकॉर्डिंग से होगा वो। ठीक है, बाकी सभी वीडियो ऐसी मुझे चलो ठीक है, बहुत सही। स्क्रीनशॉट ही लगाया है सर। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है सर, बहुत सही, नाइस वर्क। बाकी लोग, बाकी किसी ने किया? चलो तुमने कर लिया, चलो ठीक है, बढ़िया। सिद्धार्थ ने तो शायद कर लिया था, उसने मेरे को पहले दिखाया था। ठीक है, ये अगर जिसने नहीं किया, यहाँ पे कोड पड़ी हुई है, ठीक है, CSS JavaScript और HTML तीनों की, ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा आपको। मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है ना? यहाँ पे शायद थोड़ा नेटवर्क इशू है। ठीक है, ये देखो, ये सारा CSS का कोड है इसमें। थोड़ी बहुत मीडिया क्वेरी लगाई थी मैंने, वो भी है इसमें, बस यही है। जावास्क्रिप्ट में एक वीडियो के लिए JS लगाई थी और एक स्लाइडर के लिए लगाई थी। ठीक है, ये तुम्हारी स्लाइडर वाली हो गई, लेफ्ट स्लाइडर बटन, राइट स्लाइडर बटन, इसमें इवेंट लिसनर्स वगैरह लगाया हुआ था। इसको समझ में आ रही है? ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, उस टाइम समझ लेंगे। फिर यहाँ पे बटन पे हवर करने वक्त, उस टाइम पे क्या था, थोड़ी सी CSS चेंज कर रहे थे, बस वो सब है। फिर यहाँ पे वीडियो कंट्रोल वाला जावास्क्रिप्ट दिया हुआ है कि पॉज करने के लिए फंक्शन बना दो, वो सारी चीज़ें। ठीक है, इसको देखना एक बार, ट्राई करना, समझना, अगर समझ में आ जाए तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत सी। आज ये वाला असाइनमेंट दिया हुआ है, ये करेंगे। ठीक है, ये क्या है, एनिमेशन पे असाइनमेंट है, ये करेंगे हम लोग, ये बनाना है हमें। ठीक है, तुम लोग खुद से ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, 5 मिनट। एक एक बेसिक आइडिया लगा लो कि कैसे करना है इसको, कि मैं स्टार्ट करूं। कर ही देता हूँ स्टार्ट, साथ साथ में तुम लोग भी कर लो। ठीक है, ओपन विथ कोड, ये हो गया। यहाँ पे नई फाइल बना देते हैं, एनिमेशन डॉट HTML बन गई। चलो बढ़िया, टाइटल में डाल लेते हैं असाइनमेंट 1, एनिमेशन। ठीक है, बॉडी में एक मेन कंटेनर बना देते हैं। उसके बाद इसमें हमारे 3 कंटेनर्स थे ना, एक सबसे टॉप पे था, एक मिडिल में था, एक बॉटम पे था, राइट? तो 3 कंटेनर्स बना लेते हैं, उनको कुछ क्लास दे देंगे बाद में। तो क्लास के लिए फ़िलहाल अभी क्लास ही लिख देते हैं। कितने कंटेनर हमें चाहिए थे? 3, राइट? अरे यार, ये क्लास कैसे मिस हो गया, div डॉट क्लास 3। चलो, 3 कंटेनर्स बना लिए। पहले वाले में guns and roses,
एक्सल रोज, पिंक फ्लॉयड, इसको रन करते हैं। बढ़िया, 3 कंटेनर्स हमारे बन गए हैं ऐसे करके। यहाँ तक कर लिया सबने? यस चलो ठीक है। कौन रह गया था? सबने कर लिया ना? सौरभ को छोड़ के बाकी लोग भी बोल दो आना, फिर हम CSS फाइल स्टार्ट करें बनानी इसकी। यस तो फिर एक लिंक बना देते हैं CSS फाइल के लिए। नाम लिख देते हैं CSS फाइल का, क्या नाम लिखें, animation.css। ओप्स, स्पेलिंग गलत है, कर दिया इसको सेव। अब यहाँ पे ही फाइल बना देते हैं, लिखते हैं animation.css। ठीक है, अब एक बेसिक रीसेट कर देते हैं, कहते हैं कि भाई मार्जिन 0 कर दो, इसकी पैडिंग 0 कर दो। फिर और क्या करें, बाकी सब ठीक है। बॉडी में कुछ करते हैं, जैसे बॉडी को हमें फिक्स करना है ताकि वो स्क्रॉल ना हो पाए, राइट? यही था करना था हमें। कहाँ गया ये? ऊपर नीचे स्क्रॉल ना हो पाए 100% पे। तो इसको फिक्स करने के लिए काम करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, कहाँ गई इसकी CSS फाइल? ये काम नहीं कर रही है। जी रही इसकी CSS फाइल, हम इसमें लिखेंगे कि इसकी जो मिनिमम हाइट है उसको कर दो सेट, ताकि कम से कम इतनी तो रहे। नहीं, क्या कर देंगे इसको 100 VH कर देते हैं। चलो, इसके बाद इसका डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स। फिर बोलेंगे कि फ्लेक्स जो फ्लो है, फ्लेक्स फ्लो से क्या करते हैं हम लोग, रैप वगैरह भी कर लेते हैं, और वो भी कर सकते हैं कि उसका डायरेक्शन वगैरह दे सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है फ्लेक्स फ्लो की? पहली प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है? तो हम चाहते हैं कि जो हमारे ग्रिड्स हैं वो कॉलम में ही बने, और रैप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? रैप रहने दो, दो रैप नहीं करेंगे। बढ़िया है, अभी तक बेसिक रीसेट हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ये सब बॉडी को भी एक 100 VH की मिनिमम हाइट दे दी गई है। मेन कंटेनर था उसको बनाते हैं। मेन कंटेनर को कहते हैं कि भाई अगर बॉडी को पूरा फ्लेक्स दे दिया है तो इसका फ्लेक्स ग्रो कर देना 1। अब ये दिखेगी नहीं, थोड़ा सा इसको कंटेनर को, इसके अंदर जो हमारी डिव्स थी उनको थोड़ा हाइट वगैरह कर देते हैं। मान लो कि से डिव लिखा, इसको बोल देते हैं कि इसकी जो विड्थ है इसको कर दो, कितना मान लें, 200 पिक्सल मान लो। इसकी हाइट को भी ले लो 200 पिक्सल, कर रहे हो ना साथ साथ में? बॉर्डर कुछ दे देते हैं इसको, मान लो 1 पिक्सल सॉलिड, थोड़ा सा बड़ा बॉर्डर देते हैं। दे देना 1 ग्लास सॉलिड ब्लैक। अब ये देखो क्या हो रहा है, हमारी ऐसे बन गई 3 कंटेनर्स बन गई, जिनमें बॉर्डर्स लग गए हैं, जिनकी विड्थ है 200 पिक्सल, हाइट है 200 पिक्सल, राइट? थैंक यू। डिव में हमने इसकी विड्थ सेट कर दी 200 पिक्सल, हमने इसकी हाइट सेट कर दी 200 पिक्सल, और बॉर्डर हमने कुछ दे दिया इसको। अब हमें जो डिव चाहिए वो उसकी डिस्प्ले काम करते हैं, इसकी भी कुछ डिस्प्ले कर देते हैं, जैसे फ्लेक्स उसकी कर दिया हमने मेन की, इसकी काम करते हैं डिस्प्ले ग्रिड कर देते हैं। अभी तक तो बढ़िया है, अब डिस्प्ले ग्रिड किया तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग लगा सकते हैं।
सेंटर वाली, ठीक है। अब इसके अंदर के जो आइटम्स हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, सेंटर हो गए। यहाँ तक क्लियर है, कर लिया सबने। अब पहली वाली जो कंटेनर है उसको थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं। कहते हैं कि जो पहली वाली कंटेनर है, मतलब कि डिव, एक सूडो क्लास हम लोग यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट हाइफन चाइल्ड नाम का, ठीक है। फर्स्ट हाइफन चाइल्ड नाम का सूडो क्लास क्या करेगा, ये जो पहली वाली कंटेनर है गन्स एंड रोजेज वाली, ये इसको सेलेक्ट कर लेगा और इस पर चेंजेस करेगा। हम इसका कलर फ़िलहाल के लिए कर देते हैं बैकग्राउंड कलर, क्या था कलर है इसका, वीडियो देखनी पड़ेगी, रुको मैं वीडियो देखता हूँ, ब्लू था शायद से, ब्लू लेके चलते हैं फिलहाल के लिए। फिर जो सेकेंड वाली चाइल्ड थी उसके लिए भी थोड़ा सा करते हैं, कैसे करेंगे, डिव एन एच चाइल्ड। अच्छा ये पता है ना, फर्स्ट चाइल्ड और एन एच चाइल्ड का मतलब ये नहीं है कि उसका चाइल्ड हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एन एच चाइल्ड का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर कोई डिव होगा वो सिलेक्ट होगा, यही वाली डिव्स सेलेक्ट होती हैं, ओके। इसके अंदर कोई डिव सेलेक्ट नहीं होती है, तो अगर ये डाउट हो किसी को तो वो हटा लो ये डाउट। सेकेंड चाइल्ड का बैकग्राउंड कलर कर देते हैं येलो, बढ़िया सही लग रहा है। सिमिलरली, अरे क्या हो गया, लास्ट वाला जो चाइल्ड है डेव, लास्ट चाइल्ड को तो लास्ट चाइल्ड भी लिख ही सकते हैं, ठीक है। लास्ट चाइल्ड का भी बैकग्राउंड कलर क्या कर देते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ग्रीन दे देते हैं, फिर लाइम ग्रीन दे देते हैं, बढ़िया। इतना बन गया सबका, बताइए बन गया है। अब ध्यान से देखना, बस अब जो मेन कंटेनर है इसमें कुछ चीज़ें करते हैं हम लोग। जैसे मेन कंटेनर का हम लोग सबसे पहले तो इसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, बॉडी का तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर ही दिया था, मेन कंटेनर का कर देते हैं। अब ये क्या हो गई, कुछ इस तरीके से आने लगी, ठीक है। इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आने लगा, इसको बंद करते हैं, डिस्प्ले कर दिया इसका फ्लेक्स। एक काम करते हैं, इनको जस्टिफाई कर देते हैं सेंटर, ताकि सेंटर में आ जाइए, बढ़िया। इन आइटम्स को एक काम करते हैं अलाइन करते हैं सेंटर में, हो गया वर्टिकली भी अलाइन है ये, अभी होगी अगर नहीं हुई है तो। गैप इनके बीच में थोड़ा सा दे देते हैं क्योंकि उसमें गैप था, 16 पिक्सल का दे देते हैं, या फिर 1 RAM, वही सेम बात हुई, पिक्सल रहें तो रैम ही यूज़ करते हैं, बढ़िया। यहाँ तक ठीक है, इसको क्या करना था, नीचे की तरफ लाना था ना, नीचे की तरफ कैसे आएगा ये, पहले तो इसका फ्लेक्स फ्लो हम लोग यूज़ करेंगे तो उससे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो हम लोग बोलते हैं कि इसके अंदर जो कंटेनर्स हैं इनका कर दो कॉलम और ये कर दो नो रैप, शायद ऐसे ही कुछ डिज़ाइन चाहिए था हमें। यहाँ तक बन गया अब, लेकिन ये थोड़ा सा यार अजीब सा लग रहा है, इसमें काम करते हैं फ्लेक्स ग्रो देख के, देखते हैं वन कर देते हैं, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, प्रॉपर प्रॉपर अलाइनमेंट हो गई इसमें, ठीक है। यहाँ तक हो गया सबका, ठीक है। ये कंटेनर्स हमने बना लिया, फाइन। अब हमें कराना है इसमें एनिमेशन। एनिमेशन कैसे कराएंगे, पहले तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा हवर हवर पे कुछ इफेक्ट लगाते हैं, क्योंकि
उन उस वीडियोस में हवर पे इन पे कुछ इफेक्ट लगी हुई थी, राइट, कि इस पे हवर कर रहे हैं तो इस पे कुछ इफेक्ट लग रही है। तो डिफ पे काम करते हैं, हवर वाला एक इफेक्ट लगा देते हैं कि भाई जब ये हवर, सेमी कॉलन नहीं होगा यहाँ पे, कोलन होगा, ठीक है। डिफ पे हवर वाली इफेक्ट लग गई, क्या बोलते हैं कि जैसे ही डिफ पे हवर लगे, इसका बैकग्राउंड कलर पहली बात तो चेंज कर देना। बैकग्राउंड कलर क्या करते हैं इसका, मिडनाइट ब्लू सही लग रहा है, मिडनाइट ब्लू कर दे रहे हैं, हवर करते हैं। देखो क्या हो रहा है, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो जा रहा है, राइट। लेकिन ये मज़ा नहीं आया यार, नहीं मज़ा नहीं आया, इसमें थोड़ा सा वो चाहिए, ट्रांजिशन चाहिए, ठीक है। तो ट्रांजिशन लाते हैं, क्या बोलेंगे ट्रांजिशन, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी भी डिफ के कंटेनर्स हैं, उन सब पे काम करो, 2 सेकंड का ट्रांजिशन लगा दो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, या फिर हटाने का ट्रांजिशन, ये और जल्दी ट्रांजिशन हो गया इसका, ठीक है। ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, ठीक है। 2 सेकंड इज नाइस, 2 सेकंड ही करते हैं अभी के लिए, चलो बढ़िया। ट्रांजिशन वाली प्रॉपर्टी लग गई, अब क्या करना है हमें, इसे एनिमेट कराना है, राइट। अब इससे एनिमेट कराना है, लेकिन किससे एनिमेट कराना है, लास्ट वाली जो है कंटेनर, उसको। तो लास्ट वाली कंटेनर पे काम करते हैं, क्लास दे देते हैं। एक शॉर्टकट है, वो ध्यान से सुनना, हर जगह जो क्लास लिखा हुआ है ना, हर जगह जो क्लास लिखा हुआ है, अगर इन सबको एक साथ सेलेक्ट करना हुआ तो अब क्या करोगे उस केस में, अब करोगे कंट्रोल शिफ्ट एल, क्या होगी, ये सारी की सारी क्लास सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन ये वाली कर ले रहा है, इसलिए ऐसे नहीं करते हैं, हटाओ इसको, ऑल्ट कर करके सेलेक्ट कर ले रहा है, ठीक है। इसको एक लास्ट वाली जो है, फिलहाल के लिए उसको चाहिए एक क्लास, तो हम इसको एक नाम देते हैं एनिमेट का, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें एनिमेशन करनी है, राइट। एनिमेशन करेंगे, लेकिन एनिमेशन का कुछ नाम वगैरह देना पड़ता है, और तो पहले तो क्लास को लिख लेते हैं एनिमेट, हमें इसमें एनिमेशन देना है, ठीक है। कितने सेकंड के लिए देना है हमें, मान लो 5 सेकंड चल रही है, और क्यूबिक बीजर फंक्शन बना दे क्या इसका कोई, पहले नॉर्मली लिख लेते हैं, इज इन आउट ही मान लो लगा दिया, कहते हैं कि भाई चलो 1 सेकंड का डिले भी रख लो तुम, 3 बार चलो चलना, तुम 3 बार चला देंगे इसको, बढ़िया। मैं चाहता हूँ कि ये इसका कलर ना चेंज हो, तो पहले तो उस एनिमेशन का कुछ नाम रखना पड़ेगा, तो काम करते हैं स्लाइड नाम रख देते हैं। तो अब स्लाइड नाम रखे हैं तो की फ्रेम भी बनाना पड़ेगा उसी नाम से, राइट। लिखेंगे की फ्रेम्स, स्लाइड नाम का की फ्रेम बना दो। शुरू कहाँ से करेंगे, 0% से करेंगे। ट्रांसफॉर्म क्या करेंगे कि भाई पहले जो था वो बंदा अपने एब्सोल्यूट पोजीशन से 0 पोजीशन पे था, तो ट्रांसलेट एक्स क्या करेगा, उसके एब्सोल्यूट पोजीशन से वो मूवमेंट कराएगा, तो पहले जहाँ पे था वहीं पे रहेगा। जैसे ही आधा या फिर 1/3 पार्ट कंप्लीट होता है, वैसे ही हम इसको ट्रांसफॉर्म करा देंगे, ठीक है। लाइक इसको हम लोग करा देते हैं ट्रांसफॉर्म, फिर इसका एक्स डायरेक्शन में हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म कराएंगे, लिखते हैं एक्स डायरेक्शन में, लेट्स से कितने पिक्सल की थी हमारी बॉक्स, 200 पिक्सल की थी ना, 300 पिक्सल वुड बी इनफ। ट्रांसलेट करा दिया, अभी क्या हो रही है, ये कुछ ऐसे जा रही है,
एक्स एक्स डायरेक्शन में जा रही है, राइट। ठीक है, क्या जा रही है? एक्स डायरेक्शन मतलब ये अपने रिलेटिव पोजीशन से राइट में जा रही है, 300 पिक्सल की दूरी पे जा रही है। हमने यहाँ पे 3 लगा दिया था, काम करते हैं इसको इनफाइनाइट कर देते हैं। ठीक है, बढ़िया, अब ये इनफाइनाइट टाइम्स चलेगी, है ना? बढ़िया, चलो यहाँ तक हो गया सबका। मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, मैंने कहा कि भैया तुम पहले राइट मूव कर लो, आधे दूर राइट मूव कर लो, फिर एक काम करो तुम आधे दूर बचा हुआ जो एरिया है उस केस में तुम नेगेटिव में चले जाना, मतलब कि दूसरे साइड चले जाना। तो क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे, यूज़ करेंगे ट्रांसलेट एक्स वाली प्रॉपर्टी, बोलेंगे कि -300 पिक्सल पे इसको चले जाना। अब इसको सेव किया, देखो क्या होता है, गया ये प्रॉपर राइट भी गया लेफ्ट भी गया, है ना? ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया सबका। लेकिन यार हमें इसे मूव कराते कराते, हमें इसे मूव कराते कराते रोटेट भी तो कराना था, तो काम करते हैं हम इसको रोटेट करा देते हैं। कि भाई एक काम करो तुम, तो इसको रोटेट करा दो 180 डिग्री, काम करता है रोटेट करा देते हैं। अब ये रोटेट कर रहा है लेकिन यहाँ से सीधा जा रहा है, फिर ये रोटेट कर रहा है लेकिन फिर यहाँ से सीधा जाएगा। ये तो हमें चाहिए नहीं था, हमें इस पे भी रोटेशन चाहिए थी, राइट। इस पे भी हम रोटेट लगा देंगे, बोलेंगे कि नेगेटिव 180 डिग्री इसको रोटेट करा देना। बढ़िया, अभी उधर रोटेट कर रहा है, उधर भी जा रहा है, उधर से भी रोटेट हो रहा है, रुक रहा है, फिर जा रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है ना? बढ़िया। लेकिन अभी इसकी 100% रोटेशन कंप्लीट नहीं है, इसको 100% कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म 100%। एक काम करना, जैसे 100% हो जाए इसका जो एक्स है उसको वापस से 0 पे लेके आ जाना, ठीक है? और जैसे ये एक्स पे आया इसका बैकग्राउंड कलर काम करना पिंक कर देना, देखते हैं क्या होता है। ये गया, ये घूमा, पिंक हो गया एक्स पे जैसे ही आया, ठीक है? बढ़िया, ये कलर दिया था क्या मैंने? शायद मैंने पर्पल दिया था, आई गेस। घूमा, गया, पर्पल हुआ, रुका, फिर गया, फिर रुका। ये कलर ठीक है, बन गया सबका। किसी को कोई डाउट है? अंकुश बना? थोड़ा सा रह गया, बन रहा है। मेरे स्क्रीन तो प्रेजेंट हो रहा था ना? यस सर, हो रही है। बनाओ इसको जल्दी से, नीचे करना थोड़ा सा। सॉरी, ऊपर ऊपर मेन वाला मेन फंक्शन, अरे मेन, सॉरी मेन प्रॉपर्टी, अरे क्या बोलते हैं इसको,
डिक्लेरेशन क्या बोलते हैं इसको, कंटेनर ही मान लो यार इसको, मेन क्लास, पर ये क्लास है नहीं, जो भी है ये मेन। एक काम करते हैं, इसको हवर करा के रोकते हैं, ठीक है? क्या करना है इसका, हवर करा के इसको रोकना है। कैसे करेंगे? कहाँ गया डिव, थर्ड वाली डिव थी ना, लास्ट चाइल्ड। टाइम पे इसके क्या करो, एनिमेशन को, प्ले स्टेट को पॉज कर दो। ये क्या हो गया भाई? अच्छा बढ़िया, हो गया। जैसे हो जाए बता देना।
सर सी एस एस कोड चैट में डालने के लिए ठीक है भेज रहा हूँ, चैट यहाँ पे नहीं भेज रहा हूँ मैं, व्हाट्सएप पे चलेगा क्योंकि यहाँ पे पूरी जाएगी नहीं। चल मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, ठीक है। कुछ तुमने कर लिया? पलविंदर अंकुश हो तो गया है पर ऊपर से आ रहा है मेरे। क्या आ रहा है? 2 मिनट सर। पलविंदर एचटीएमएल का कोड दिखाना है तो HTML सर हो तो गया है, जो लास्ट वाला है मेरा ऊपर सबसे टॉप में आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये नहीं पता सर। CSS चेक करो, मैंने अभी एक CSS वाली कोड भेजी है मेरा पूरा। जल्दी करो, एक और करना है, अभी टाइम नहीं है। सर हो गया? करें फिर नेक्स्ट। चलिए एक वो बनाते हैं, एक हेडर बनाते हैं, ठीक है? इसी में कर देता हूँ मैं, एनिमेशन ही रहने देते हैं, इसको हटाते हैं, तो फिर इसको नीचे रहने देते हैं। लगे रहो भाई, तुम यहीं पर लगे रहो, कोई बात नहीं। चलो करते हैं, क्या बनाना है हमें? हमें बनाना है एनिमेटेड मेन्यू। ये करो मत, बस देख लो, ठीक है?
मैं साथ साथ देखते जाओ बस, क्योंकि टाइम नहीं है अब, आराम से घर पे बैठ के करना। ठीक है, क्या बनाना है? हमें एक हेडर सेक्शन बनाना है, राइट? तो ये हेडर बन गया, उसके अंदर एक काम करते हैं, एक सेक्शन बना लेते हैं, इसका क्लास वगैरह भी डिफाइन, क्लास रहें तो भी डिफाइन नहीं करते हैं। और इसके अंदर एक काम करते हैं, एक हेडिंग डाल लेते हैं फ्यूचर फाइंडर्स नाम से। ठीक है, फिर काम करते हैं, एक बटन बना लेते हैं, बटन बन गई, सेव किया, क्या क्या यहाँ पे फ्यूचर फाइंडर्स आ गया। हमें चाहिए मेन्यू वाली बटन, ठीक है, तो इसके अंदर एक काम करते हैं, फिलहाल ये हेडर सेक्शन हो गया, काम करते हैं एक नैव बार बनाते हैं। नैव बार के अंदर, यूएल के अंदर एलआई को भी कितने एलआई हमें चाहिए, 3 4, चलो 4 ले लो। एलआई के अंदर हमें चाहिए एंकर, ताकि हमारी वो बन जाए नैप बार। तो पहला एंकर मान लो होम पेज डाल दिया, दूसरा अबाउट डाल दिया, अबाउट अस, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, सेव किया। हाँ, क्या आ रहा है? ऐसा कुछ आ रहा है, अभी बन गए, बढ़िया, ये हमारा तैयार है। एक काम करते हैं, हेडर यहाँ पे ख़त्म नहीं करते हैं, हेडर को हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, तो ये हमारा प्रॉपर एक हेडर सेक्शन हो जाएगा, हेडर कंटेनर हो जाएगा। इसको काम करते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं, बढ़िया, अभी सही लग रहा है थोड़ा। क्या कर रहे हैं अब, हमें इसमें करना है डिज़ाइनिंग। ठीक है, डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे इसमें? एक काम करते हैं कि तुम लोग को मैंने CSS वेरिएबल वगैरह पढ़ाया था ना, करें उसका यूज़, उसका भी यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या बोलते हैं, रूट एलिमेंट जो हमारा है, रूट सूडो क्लास कह सकते हैं इसको। तो हमारे जो हेडर है उसका एक काम करो, BG कलर दे दो। कौन सा कलर? बैकग्राउंड कलर क्या देते हैं इसको, लाइट ब्लैक देते हैं, H333 वुड बी अ लाइट ब्लैक कलर। ये तो बैकग्राउंड कलर हो गया, टेक्स्ट कलर भी देना पड़ेगा हमें, तो टेक्स्ट कलर कैसे देंगे? हेडर का टेक्स्ट कलर विच इज़ वाइट, वाइट कर देते हैं इसको, वाइट, बढ़िया लग रहा है। अब इसको यूज़ करना है ऑफ कोर्स, डिस्प्ले फ्लेक्स कॉलम मेन बार में जाए। अभी अभी हमें काम करना है हेडर पे, देखिए भाई हेडर भाई, अपना जो बैकग्राउंड कलर है उसको क्या कर लो, हेडर का बैकग्राउंड कलर कर लो। फिर अपना जो टेक्स्ट कलर है उसको क्या कर लो, हेडर का कलर कर लो, बढ़िया हो गया। यहाँ तक बन गया है, अब हमें जो ये टाइटल लिखी हुई है इसमें काम करते हैं, इसको थोड़ा सेंटर वगैरह करते हैं, इसको सेव करते हैं। इन पे कुछ क्लास देना पड़ेगा ऐसा लग रहा है मेरे को, तभी हम लोग उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। क्लास कौन सा दें? काम करते हैं, ये जो सेक्शन है इसको एक क्लास दे देते हैं, हेडर, क्या है ये, टाइटल ने, इसमें टाइटल दे देते हैं। फिर ये जो बटन है, बटन के अंदर हमें कुछ चाहिए, एक आइकन टाइप चाहिए, मेन्यू के लिए आइकन चाहिए। काम करते पहले इसको क्लास दे देते हैं, मेन्यू का बटन, उसके बाद फिर इसके अंदर एक काम करते कंटेनर बना देते हैं, इसको क्लास देते हैं मेन्यू का आइकन,
बस बढ़िया, बाकी किसी को क्लास देने की जरूरत नहीं है आई गेस। अरे ये इधर कहाँ से पहुंच गया? अच्छा हमने डिव पे कुछ लगा रखी थी क्या अलग से? डिव लास्ट चाइल्ड को हमने ग्रीन कलर दे रखा है। ईश, अभी अब ब्लू कलर आ जा रहा है। पुराना वाला कोड उड़ा दें, फ्रेश कोड लिख लेते हैं, बेटर रहेगा। चलो यहाँ तक तो बढ़िया है सब। हेडर के लिए बैकग्राउंड कलर दे दिया, टेक्स्ट कलर के लिए बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब एक जो क्लास हमने बनाई थी हेडर टाइटल नाम की, उसमें कुछ डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि यार पहले तो इसका डिस्प्ले जो है उसको फ्लैक्स करो, ठीक है? डिस्प्ले कर दिया फ्लैक्स। नेक्स्ट एक काम करो तुम, जो डायरेक्शन है उसको रोक, रो ही है वैसे तो। डायरेक्शन रो, रैप हमें करना नहीं है। बढ़िया, जस्टिफाई कंटेंट करो थोड़ा, स्पेस बिटवीन भी पता नहीं चल रहा है, थोड़ी सी पैडिंग देंगे तब हो सकता है पता चले। 0.3 RAM की पैडिंग दे रखे, देखते हैं हर तरफ से। ये इधर से थोड़ी ज़्यादा दे देते हैं। हाँ ये आ गया राइट में, बढ़िया बटन आ गई हमारी राइट में। अब जो हम बटन है उसे डिज़ाइन करते हैं थोड़ा। देख क्या था हमारा क्लास, मेन्यू बटन नाम से था। बोलते हैं कि जो बैकग्राउंड इसमें काम करते हैं, बॉर्डर लगी हुई है, विड्थ दे देते हैं थोड़ी सी, जैसे कि भाई इसकी जो विड्थ है 48 पिक्सल, 48 ही ठीक थी। और इसकी हाइट भी कुछ कर देते हैं, काम करते हैं इसको स्क्वायर बॉक्स ही बना लेते हैं, तो इसको भी उतना ही दे देते हैं। बढ़िया, जस्टिफाई कंटेंट इसमें करेंगे यूज़, ताकि इसको सेंटर कर सके। इसका भी डिस्प्ले काम करते हैं, फ्लेक्स कर देते हैं। जस्टिफाई कंटेंट कर दिया सेंटर, डिस्प्ले कर दिया फ्लेक्स, अलाइन कर देते हैं इसको सेंटर। अभी कुछ नहीं हुआ, काम करते हैं इसका पोजीशन ही रिलेटिव कर देते हैं। ये भी कुछ नहीं हुआ, ऐसा क्यों भाई? बॉर्डर वगैरह बाद में देखेंगे। बैकग्राउंड कलर आ रहा है अभी इसमें कुछ, बैकग्राउंड कलर तो ट्रांसपेरेंट कर दिया, भी ऐसे आ रहा है। ये तो हमारा मेन्यू बटन हो गया, जो बाहर वाला बटन था। बॉर्डर इसमें कुछ आ रही है, तो बॉर्डर को बाद में देख लेंगे। इसके अंदर कुछ आइकन्स बनाने हैं हमें, आइकन लिखते हैं मेन्यू आइकन। मेन्यू आइकन में हमें क्या डालना है? हमने सूडो एलिमेंट्स पढ़ा था राइट, पता है ना क्या होता है सूडो एलिमेंट? सूडो क्लास और सूडो एलिमेंट में क्या डिफरेंस है? मेन्यू आइकन हो गया, मेन्यू आइकन एक था हमारा बिफोर पढ़े थे हम राइट, एक हम पढ़े थे आई गेस आफ्टर, है ना? ये सारी हो गई मेन्यू आइकन, बिफोर आफ्टर।
हमें क्या चाहिए, हमें इसमें कुछ कलर देना पड़ेगा। काम करते हैं, इसमें हेडर वाला ही कलर दे देते हैं वैर यूज़ करके। भाई तुम बैकग्राउंड कलर नहीं, उसका टेक्स्ट कलर उठा लो। अभी कुछ नहीं दिख रहा है, इसमें थोड़ी सी विड्थ वगैरह देंगे तब दिखेगी। ये एक हमने आउटर वाला को 48 पिक्सल दिया था, इसको 40 दे देते हैं, थोड़ी सी हाइट दे देंगे। आई गेस कितनी दें इसको, 10? नहीं 10 नहीं, 5 ठीक था, 5 ठीक लग रहा है। 5 पिक्सल की इसको हाइट दे दी। तो हम आइकन बना रहे हैं, हमने इसमें बिफोर और आफ्टर का यूज़ किया, कहते कि भाई इसमें विड्थ और हाइट सेट कर दो, लाइक 40 पिक्सल एंड 5 पिक्सल। एक मिनट ज़रा होल्ड करना। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो। कहते हैं स्टार्ट वापस से। देखिए हमने ये वाली जो बार बनाई थी, 40 पिक्सल विड्थ थी इसकी, हाइट हमने रख ली इसकी 5 पिक्सल। इसको काम करते हैं, थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बोलते हैं कि लाइक 5 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस ले लो। अभी इसमें हाँ ठीक लग रही है थोड़ी। चलो इसकी पोजीशन जो है, जैसे हमने बाहर वाली जो मेन्यू थी, बटन थी, हमने उसकी पोजीशन रिलेटिव कर रखी थी जानबूझ के, ताकि हम इसकी पोजीशन जो है एब्सोल्यूट करके इसको सेट कर सकें। चलो बढ़िया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी काम करते हैं, इसमें कुछ कंटेंट डालते हैं। ध्यान से देखना, अगर ये स्टेप नहीं समझ में आए तो बताना। काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे मेन्यू आइकन बिफोर डॉट मेन्यू आइकन आफ्टर, ठीक है। इसमें फ़िलहाल के लिए कुछ कंटेंट नहीं है, क्या हो गया। चलो ये सही हो जाएगा अभी थोड़ा देर में। बढ़िया, हमें चाहिए इसमें थोड़ा सा मेन्यू आइकन बिफोर मेन्यू आइकन आफ्टर, सॉरी ये वाली लाइन हटा दो, बिफोर में सेट करना है कुछ। काम करते हैं बिफोर में ट्रांसफॉर्म वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, यूज़ करते हैं, इसको ट्रांसलेट कर दो -20 पिक्सल के अप्रॉक्स। कहाँ एक्स एक्सिस में इतना हो गया, सेव करते हैं इसको। काम करते हैं -10 देखे देखते, नहीं -10 से नहीं होगा। सेम ही है, ठीक है, पहला आइकन बन गया, दूसरा आइकन खराब हो गया है, इसको सही करेंगे, तीसरा आइकन बनाते हैं। काम करते हैं आफ्टर, बिफोर वाला तो एक ट्रांसफॉर्म हो गया, आफ्टर वाला एक ट्रांसफॉर्म बनाते हैं। है यहाँ पे काम करते हैं आफ्टर वाले को, जैसे हमने पिछले वाले को क्या किया था, हाइट हमने इसको ऊपर कर दी थी, इसको कर देंगे नीचे सेम उतना ही पोजीशन, ठीक है। 3 हैमबर्गर आइकन टाइप बन गया है। ये बाहर जो मेन्यू है ये हमें देखना नहीं है। काम करते हैं इसका बॉर्डर हटा देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें बॉर्डर आ रही है, डन कर देते हैं। बॉर्डर रन करना है ना, बढ़िया। ये कहीं से उठा लेना, ठीक है, इतना बनाओगे तो पागल हो जाओगे।
ठीक है, कहीं से ये आइकन्स वगैरह हैमबर्गर वाली जो आइकन्स आती हैं इसे उठा लेना। ओके अभी क्या करना है हमें, हमें इस पर थोड़ा सा पहले नेबर थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। नेबर हमने सेट किया है क्या? नहीं किया ना। नेबर को पहले सेट करते हैं। बोलते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, इसका बैकग्राउंड कलर वैर वाला ही दे दो। क्या दे दो? हेडर वाला, हेडर का बीची कलर अभी भी सही है। इसका डिस्प्ले फ़िलहाल के लिए नन कर देते हैं, इसका डिस्प्ले उस टाइम पे ओपन करवाएंगे, मीडिया क्वेरी के अकॉर्डिंग ओपन करवाते हैं। ट्रांसफॉर्म में एक प्रॉपर्टी आती है, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन वाली, इसको बोलते हैं कि भाई तुम टॉप और टॉप से सेंटर पे रहो। अभी इसका डिस्प्ले ना है, अभी भी कोई इशू नहीं है इसमें। चलो यहाँ तक ठीक है। अब हमें हेडर पे हवर ओवर करने पे कुछ इफ़ेक्ट्स वगैरह लगाने हैं, ताकि ये जो है इस पे हवर करें तो कुछ इफ़ेक्ट आए। तो हमने सूडो क्लास सेलेक्टर पढ़ा था एज वाला, तो हम बार बार एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लिखने के बजाय हम लोग ये वाला सेलेक्टर यूज़ कर लेंगे, यानी कि हवर स्टेट और हेडर का जो हमारा फोकस विजिबल होना विद इन वाला। दे देना सर, इसको सेट कर दिया। डॉट मेन्यू आइकन को भी हमें चेंज करना था, राइट। इसका क्या करते हैं ना, इसका बैकग्राउंड कलर को थैंक यू ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, जैसे ही हवर हो ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको। इसको रोटेट कराना है हमें, एक कितना करते हैं इसको रोटेट, 360 डिग्री वुड बी लाइक नाइस। थोड़ा सा और ज़्यादा करता है, डबल कर देते हैं इसका, तो भी वही सेम प्रॉपर्टी है। एक और बनाते हैं इसी तरह बाकियों के लिए भी, हेडर हवर हेडर फोकस। तुम लोग साथ में कर रहे हो क्या? ये तो विदीन के लिए बना दिया। ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करते हैं बिफोर के लिए बना देते हैं एक, फिर एक आफ्टर के लिए बना देंगे। लाइक करते हैं इसको ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे इसको, थोड़ा सा ट्रांसलेट कराते हैं इसको। नेगेटिव 15 पिक्सल वुड बी इनफ, सेव करके देखते हैं। नहीं नेगेटिव थोड़ा सा और देते हैं, 20। अभी पूरा ही गायब हो गया, चलो बढ़िया। रोटेट कराएंगे इसको नेगेटिव 45 डिग्री, तो बिफोर वाले के लिए कर लिया, एक आफ्टर वाले के लिए भी करना था ना। क्या लिखेंगे इधर, हेडर, अरे यार हेडर अवर, इसका लिखेंगे हेडर फोकस, यहाँ पे लिखेंगे डॉट मेन्यू आइकन आफ्टर वाले के लिए, क्या लिखेंगे इसको ट्रांसफॉर्म कर दो किस तरीके से। इसका भी एक काम करो, एक्स डायरेक्शन में करते हैं ना ट्रांसलेट इसको। हाँ सेम वही करते हैं, नेगेटिव 20 वुड बी इनफ, रोटेट कराएंगे इस बार इसको किसी और
एक काम कर, इसको ऊपर वाले को कितने पे किया था, काम करके ऊपर वाले को पॉजिटिव कर देते हैं, नीचे वाले को नेगेटिव कर देते हैं। अब आया है बन के क्रॉस, पॉजिटिव 45 डिग्री, ये नीचे आ गई नेगेटिव 45 डिग्री। नाइस, लेकिन अब हमें जैसे ही हवर करें, मैं क्या चाहिए, इसका डिस्प्ले जो नन था वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, क्या हुआ भाई, जैसे ही हम लोग हेडर पे क्या करें, हवर करें, तो फिर जो हमारा हेडर पे फोकस विदिन करें, उस केस में क्या हो जाए, इस नैव का जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक हो जाए। बढ़िया, बहुत सही। बढ़िया, इतना हो गया है, लेकिन मज़ा नहीं आया यार इसमें, एनिमेशन नहीं लगा उतना, इसमें थोड़ा सा एनिमेशन लगाते हैं, काम करते हैं, एनिमेशन कुछ नाम दे देते हैं, अपना नाम लिख देता हूँ मुकुंद, 1 सेकंड की एनिमेशन लगा दो, इज इन आउट चलेगा अपने को, उसमें फिल मोड रखते हैं, फॉरवर्ड्स की फ्रेम्स बनाते हैं इसके, मुकुल नाम से था। 0% पे इसका जो ट्रांसफॉर्म है उसका एक काम करना, स्केल जो है उसको 0 कर देना, 70% पे जो ट्रांसफॉर्म है उसका स्केल एक काम करना है। नाइस, थोड़ा सा आया, और 100% पे काम करते हैं उसका ट्रांसफॉर्म, स्केल वाई पे 1 कर देते हैं, हल्का सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अरे भाई साहब तगड़ा, चलो यहाँ तक ठीक है, अब बाकी का बाद में करेंगे, मेरे को एक डेमो क्लास लेनी है कुछ स्टूडेंट्स की। सर आपको रस्ट आती है? रस्ट मैंने ट्राई की थी, रस्ट एक्चुअली, रस्ट का डिमांड काफी है यार। एक सर प्रॉब्लम कर रहा था उसपे, क्यूब रोटेटिंग की। तुम्हें से किसी को डॉकर कुबरनेटिस आती है? डॉकर मैंने देखी सर पिछले मंथ, थोड़ी सी मतलब की थी। अच्छा चलो ठीक है, क्लास ओवर कर देता हूँ मैं। इसका CSS कोड भेज दूंगा मैं, जितना किया हुआ है। सर मैंने ना एक लैंडिंग पेज बनाया था वेबसाइट का, उसको मीडिया क्वेरी से किया था, तो मैंने एक हैम्बर्गर लगाया, तो उसको मैं क्लिक करने पे ना मैंने एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा कि वो राइट साइड से जो भी नैव बार में है जैसे मेन्यू अबाउट कॉन्टेक्ट अस वो आना चाहिए क्लिक करने पे, तो पर वो चल नहीं रहा है, मैंने एक ट्यूटोरियल भी फॉलो कर रहा था पर नहीं हो रहा है। मैं ना आपको कोड भेजता हूँ हाँ आप भेज देख देना, लेना एक बार। मेरे को टाइम मिलेगा मैं कर दूंगा, ठीक है।